नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज स्टूडेंट। इस समय हम बिहार के गोपालगंज के हथुआ नगर पंचायत में हैं, जो कि पहली बार नगर पंचायत में आया है। इससे पहले यहाँ पर मुखिया हुआ करते थे और अब ये नगर पंचायत में ये क्षेत्र आ चुका है। और ऐसे में यहाँ पर यहाँ की जनता का मूड और माहौल जानने के लिए हम आए हुए हैं कि जनता यहाँ पर किन मुद्दों पर अपना चेयरमैन पद प्रत्याशी चुनेगी। देखिए, इस समय हम मार्केट में, हम अपने कैमरामैन सहयोगी चाहेंगे कि ये जो मार्केट का नज़ारा है और यहाँ की जो सड़कें हैं उसे एक बार दिखाने की कोशिश करें हमारे कैमरे में। और यहाँ पर लोग भी हैं जो काफ़ी अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांवों से आए हुए हैं, क्योंकि चार ग्राम प्रधानी के क्षेत्र को मिला करके एक नगर पंचायत बना है। और ये नगर पंचायत जो है यहाँ की जनता के लिए काफ़ी उम्मीदों पर बना हुआ है और यहाँ की जनता अध्यक्ष प्रत्याशियों से काफ़ी उम्मीदें भी रख रही हैं। जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो से लगातार आपको सर्वे करके दिखा रहे हैं गोपालगंज जिले से के हथुआ नगर पंचायत से, इससे ये तो साबित है कि जनता को अध्यक्ष पद प्रत्याशियों से और जो नगर पंचायत लगा है इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन कौन से प्रत्याशी से उम्मीदें हैं और कौन से मुद्दे हैं जिन पर यहाँ की जनता अपना प्रत्याशी चुनेगी, अपना अध्यक्ष चुनेगी, इस पे बात करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे कि जनता किन मुद्दों पर वोट देगी। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? हथुआ बाजार। निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों में स्वयं प्रत्याशी भी हूँ, किन मुद्दों पे वोट देंगे और किन मुद्दों पर आप खड़े हैं? हम हथुआ बाजार का सबसे पहले है नाला, लाइट, सौंदर्यीकरण हो, बाजार का चौमुखी विकास हो, बाजार से भ्रष्टाचारी खत्म हो, इसी यही मुद्दा हम लोग की मेन प्राथमिकता है। मैं वार्ड नंबर 10 का खुद स्वयं प्रत्याशी हूँ। सभासद प्रत्याशी हैं? जी, सभासद प्रत्याशी हूँ। सौंदर्यीकरण, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, नाले की समस्या, हर एक प्रत्याशी लेकर के उतरा है। आप सभासद हैं और आप भी जो है इन्हीं मुद्दे पर यहाँ पे उतरे हुए हैं। ये बताइए कि कितने खरे उतरेंगे आप अपनी वार्ड की जनता के लिए? जैसा कि आपने बताया कि वार्ड नंबर 10 जो है आप वहाँ से प्रत्याशी हैं, कितने खरे उतरेंगे? क्योंकि जनता को काफ़ी उम्मीदें बनी हुई हैं जब से यहाँ पर नगर पंचायत लगा है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जनता ही है और जनता के बीच में आया हूँ। इसके पहले भी मैं वार्ड नंबर 12 से वार्ड सदस्य रह चुका हूँ, वहाँ पे 100% काम भी हुआ है। जनता इसी उम्मीद के साथ मुझको फिर दोबारा प्रत्याशी बनाई है और मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ। जनता मेरे साथ है और मैं वार्ड नंबर 10 से चुनाव औपचारिकता भरे मैं जीत चुका हूँ। पहले आप रह चुके हैं यहाँ से? जी, जी, क्या जी। थे यहाँ से? हम वार्ड सदस्य थे वार्ड संख्या 12 से। वार्ड नंबर 12 से जो है ये पहले जो है वार्ड सदस्य थे और अब जो है यहाँ पे सभासदी के लिए इन्होंने आवेदन दिया था और उन्हें जो है जनता ने चुना भी है, इन्हें टिकट मिल चुका है और ये अपनी तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रहे हैं। और इनका दावा है, देखिए ये बोल भी रहे हैं कि हम जो है जीत रहे हैं, कुछ ऐसे ही कहा ना आपने? जी, मैं खुद आश्वस्त हूँ, मेरी जनता मेरे साथ है, वार्ड नंबर 10 की जनता मेरे साथ है, मैं जीत चुका हूँ चुनाव। जीत चुके हैं, देखिए चुनाव अभी हुआ नहीं है, 9 तारीख को चुनाव वोट पड़ने हैं, लेकिन उससे पहले इनका दावा है कि ये वार्ड नंबर 10 से जो है इनको जनता ने चुना है और जनता ने इन्हें जिता भी दिया। ये बताइए कि नगर पंचायत लगा है पहली बार, पहले यहाँ पे मुखिया हुआ करते थे, अब ये नगर पंचायत में आ चुका है, तो यहाँ पे जो चेयरमैन अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं उनमें आप लोगों को किन से उम्मीदें हैं? आपको क्या लग रहा है कि कौन सा यहाँ पे अध्यक्ष प्रत्याशी है जो क्षेत्र की जनता के लिए काम करेगा? देखिए, जनता के बीच सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रत्याशी जा रहे हैं, सारे अपने जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, अब जनता मालिक है। यह मुख्य रूप से लड़ाई बाजार, हथुआ बाजार, नया नगर पंचायत बना हुआ है। नगर पंचायत का ये होगा कि जो भी हमारे चेयरमैन प्रत्याशी हो, उप चेयरमैन प्रत्याशी हो, वो अच्छे तरीके से हथुआ का विकास करें, हम लोग उनके साथ हैं। मैं वार्ड नंबर 10 के साथ हूं और मैं साथ रहूंगा, आजीवन हथुआ बाजार के साथ रहा हूं। हथुआ बाजार में ही मेरा जन्म हुआ है, पला हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, मेरा अपना व्यवसाय भी है, रेडीमेड व्यवसाय। मेरा शुभ नाम रिंकू कुमार गुप्ता हुआ, मैं स्वर्गीय पशुपति प्रसाद गुप्ता का पुत्र हूं और मेरी द्वितीय भाई मुन्ना कुमार गुप्ता की पत्नी पूजा कुमारी वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी भी हैं। चेयरमैन प्रत्याशी? चेयरमैन प्रत्याशी नहीं है, वार्ड सभासद प्रत्याशी है, वार्ड पार्षद प्रत्याशी है। देखिए, आप थे हमारे साथ सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 10 से। यहाँ पे दुकानदार भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि
ये चुनाव जनता का चुनाव होता है और जनता जो है वो खुद चुनती है कि अपना सेवक किसे चुनना है, जनता डिसाइड करती है। क्या नाम है सर? धनंजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? काम के बोर्ड पर वोट देंगे। क्या लग रहा है आपको, कौन सा चेयरमैन प्रत्याशी है जो हथुआ नगर पंचायत का विकास करेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ विकास भी है। हथुआ नगर पंचायत एक इसका अलग इतिहास रहा है और वो इतिहास, वो गरिमा कहीं ना कहीं खोती जा रही है इस समय पर। जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, जो जमीनी स्तर पर काम करेगा वही, हवाई में किसी को वोट नहीं देंगे। प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं कि नहीं, प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं हमारे पास। क्या कहते हैं? काम करेंगे वोट दीजिए। तो सब आकर के कहते हैं कि काम करेंगे वोट दीजिए। आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी काम करेगा? जो हमारे भी हर दुख सुख में काम में आएगा वही उसी को हम वोट देंगे। क्या नाम है? आनंद कुमार। कहाँ के रहने वाले? मनीषा पर हथुआ। मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर वोट देंगे? भ्रष्टाचार में दिया जाएगा वोट, विकास पर। और हम लोग का जो कॉलेज है, मान लीजिए हम लोग युवा हैं, हम लोग को पढ़ाई शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और सड़क बने, जो भी है यहाँ पर स्वस्थ हथुआ रहे, क्लीन। और क्या प्रत्याशी? तो हर एक प्रत्याशी आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, हम जो हथुआ नगर पंचायत की खोई हुई गरिमा है, जो आज के युवा जिसे नहीं समझ रहे हैं, जिसे अहमियत नहीं दे रहे हैं, वो हम वापस ले आएंगे। आपको क्या लग रहा है कौन सा प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशी कौन सा ऐसा है जो इन वादों पर खरा उतरेगा? अभी तो मैडम वो तो हमारी 9 तारीख को डिसाइड होगी किसको वोट देना किसको वोट नहीं देना है। वैसे तो सबको आते हैं, सबको जाते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग का डिसाइड है, उम्मीदें किसी एक प्रत्याशी से ही होगी ना आप लोगों की? उम्मीद तो एक ही है, वो हम बता नहीं सकते, ऐसा कि सबको अपने ही है, लेकिन हम विकास को देख के और भ्रष्टाचार को देख के और हम लोग का जो युवा पीढ़ी है, जो भी हम लोग युवा बालक हैं, सब देखना है हम लोग को शिक्षा का कौन सुधार करेगा, कौन खेल, वो जो भी है हम लोग का आगे बढ़ने का है, जो रोजगार बढ़े, हथुआ का विकास हो। हम भी ये सब कोई तो कहता है, इसके पहले भी बहुत लोग कहते थे कि विकास होगा, ये होगा, कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन नगर पंचायत आया हथुआ में, उम्मीद बढ़ी है कि हाँ कुछ नया लोग है जो हम लोग को शिक्षा रोजगार चाहे जो भी हम लोग का है अच्छा आगे काम बढ़े। अच्छा, कैंडिडेट आपको कैसा चाहिए, शिक्षित चाहिए या फिर जैसे मुखिया आप पिछले आपके कार्यकाल में रहे हैं उस तरीके से चाहिए कि उन्हें ना काम से मतलब हो ना किसी चीज़ से मतलब हो, चुनाव जीतने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाए? नहीं वैसे तो बात नहीं है मैडम, वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो है युवा प्रत्याशी जो भी है युवा प्रत्याशी बनेगा, हम लोग का सोच यही है कि मान लीजिए युवा आए, युवा के काम करे, जो सबको के दुख सुख में साथ दे, सबको का हल निकाले, यही देखना है। और 9 तारीख को तो डेफिनेटली वोट देने जाना है अपना। इस समय हम लगातार जो है गांव का सर्वे कर रहे थे और गांव का सर्वे करने के बाद जो है इस समय हम हथुआ बाजार में खड़े हैं गोपाल मंदिर के सामने और यहाँ पर हम जनता का मूड जानने के लिए खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हर गाँव से अगल बगल के यहाँ पर लोग आए हुए हैं बाजार में और इनसे हम बात कर सकते हैं, इनसे जो है इनके मुद्दे जान सकते हैं। देखिए दुकान पर आप पहुँचे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है अंकल? राजकुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार हथुआ प्रखंड का। हथुआ के रहने वाले, निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? जो देखा जाएगा जैसा चलेगा वैसा देखा जाएगा। हम प्रत्याशी नहीं पूछ रहे, हम मुद्दा पूछ रहे हैं कि किन मुद्दों पर वोट देंगे? सही काम पे, जो सही काम करेगा उसको देंगे। किस तरीके का काम चाहिए? नाला हो, रोड हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्कूल सही हो। स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है? सही हो तो आज दिख नहीं रही है। हमको तो नहीं पता, हम यहाँ के रहने वाले हैं तो हमको नहीं पता। कर रहे हैं तो आपको भी तो मालूम होगा ना। शिक्षा व्यवस्था हमको तो नहीं पता, ये तो आप बता सकते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप पढ़ते लिखते हैं। कुछ सही है कुछ सही नहीं है। क्या कुछ बदलाव आना चाहिए? यही सब आना चाहिए, नाला सही हो, रोड सही हो। साकिर मियां, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा कोरोली। निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? अब हमारे यहाँ जो खड़ा है, जिस जो अच्छा समझेंगे, जो काम के लायक होगा। सभासद नहीं पूछ रहे हैं, चेयरमैन प्रत्याशी पूछ रहे हैं। प्रत्याशी हम लोग का दूसरा इलाका है। दूसरा इलाका है आपका, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सोनू है। कहाँ के रहने वाले? हम हाइचा के रहने वाले। निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? हम लोगों का वोट में अभी नहीं है हमारे तरफ। इनके यहाँ भी देखिए वोट नहीं है, तो क्योंकि मार्केट में है मैं और यहाँ पे हर जगह जगह से जो है वो लोग आए हैं, कि कहीं कहीं जो है पहले चुनाव दिसंबर में हो चुका है और कुछ ज़िले अभी ऐसे हैं जो नए नगर पंचायत में आए हैं और वहाँ पे अभी चुनाव होना बाकी है। ऐसे में देखिए एक और दुकान पे आप पहुँचे, क्या नाम है भैया आप? लव कुमार। कहाँ के रहने वाले? हथुआ पंचायत। हथुआ नगर पंचायत की पहली बार आपका हथुआ नगर पंचायत लगा है, इससे पहले यहाँ पे ग्राम प्रधान ही हुआ करता था। पहले तो बताइए कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यही चाहते थे कि नगर पंचायत हुआ, बहुत खुशी की बात है। अब चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, हर एक प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं, किस प्रत्याशी से उम्मीदें हैं और यहाँ पे आप लोग किन तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दा यही है कि जो हमारे यहाँ 13 प्रत्याशी उठे हुए हैं चेयरमैन में जो शिक्षित होंगे, जो अच्छे उम्मीदवार होंगे, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। जो काम करेंगे, जो मेरे सुख दुख में काम आते हैं और आते रहते हैं, उन्हीं को वोट दिया जाएगा।